So basically, in exam, you will be getting the pre-exam material. I think 2 weeks, 2 3 weeks before your exam, very soon they will be giving it to you. So that pre-exam material is basically all the Excel or CSV or R or whatever files, text files, for the data sets. What you have to do is you have to see whether you are able to load it, import it, and in your R programming, in your R studio, and then you have to start working accordingly. तो उसके अराउंड डेटा को देख के थोड़ा बहुत वट एवर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो आप लोग खुद से यू कैन इंटरप्रेट. बट प्लीज डोंट आस्क मी अबाउट इट कि ना क्या हो सकता है, बिकॉज इट कैन बी एनी थिंग. वेन यू हैव अ डेटा सेट, इट कैन बी फॉर मशीन लर्निंग, इट कैन बी फॉर सर्वाइवल, एंड इट कैन एट द सेम टाइम बी मे बी सम टॉपिक्स रिलेटेड टू योर मार्कोव, हो सकता है वेरी इजीली. तो इट्स लाइक वेरी अनसर्टेन, एग्जैक्टली आपको नहीं पता हो सकता है. यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इन ऑल योर टॉपिक्स. पेपर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुल अप योर मार्क्स, बिकॉज पेपर ए 100 मार्क्स में आई ऑब्वियसली मतलब यू इट इज एक्चुअली अ लिटिल डिफिकल्ट टू कम्प्लीट द इंटायर 100 मार्क्स पेपर वेन यू हैव 3 hours 20 minutes एंड इट्स टाइपिंग. There are students who complete fully. There are students who don't complete and still they clear their exams. It's not a very big deal that way. But paper B is something which you can easily finish on time. बहुत difficult नहीं आता है. There are 3 questions. Some terms they gave 4 questions, but more or less around 3 questions on average रहता है. And you have to attempt the question which you consider to be easy first, and make sure कि आप लोग stuck नहीं हो एक question पे, because it's only 1 hour 50 minutes. मान लो 5 minutes में आपको you downloaded the PDF. Keep your R studio open. You can open the R studio and keep it ready. That's not an issue. But the word file and the P exam question papers, obviously you will get it on time. So exam paper जैसे आपको मिलेगा, you load it, you download it from there. एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दैट द वर्ड फाइल आंसर टेम्पलेट इज ऑल्सो दैट दे विल सेंड यू. सो इफ दे आर सेंडिंग यू, देन दे विल सेंड इट टू यू द वर्ड फाइल एंड द एग्जाम लाइक द PDF, द एग्जाम पेपर. दीज टू विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जिप फोल्डर. सो यू नीड टू अनजिप योर वर्ड फाइल सो दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. इफ यू जस्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बिफोर अनजिपिंग इट, देन योर वर्क विल नॉट बी सेव्ड. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स स्टार्ट. ये वाला पेपर हम लोग करते हैं अप्रैल 24. क्विकली ओपन द एग्जाम पेपर. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. ऑल ऑफ यू क्विकली डाउनलोड दिस प्लीज. And one more very important thing is, since your exam is you have to copy paste to MS Word. I have seen sometimes students forget to copy paste a particular graph or particular, you know, generally it's a graph which I have seen students forgetting. So this is something which you have to work when you have your appearing for mocks, or you can प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद से भी. तो फिर उससे आप उस समय कॉपी पेस्टिंग वाला हैबिट रखो, तो उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू इन एग्जाम यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग बेसिकली, बिकॉज यू आर इन प्रैक्टिस. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द अनदर थिंग्स. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. वी विल बी स्टार्टिंग इन दिस पेपर. वी हैव 3 questions. ठीक है. What I do usually is what I suggest, quickly just have a quick look as to, you know, what are the different topics from which you are getting the questions. So basically, जैसे first वाले question में आपका ये देख के कुछ लग रहा है कि आपका लॉस डिस्ट्रीब्यूशन री इंश्योरेंस वाले पार्ट का कुछ मुझे लग रहा है. देन दिस सेकेंड पार्ट वी कैन से दैट
दिस इज योर सर्वाइवल वाला पोर्शन, ठीक है, कॉक्स मॉडल. एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज सर्वाइवल, ठीक है. तो ये सर्वाइवल है, सो आई थिंक ये फिर कुछ डिफरेंट होगा. तो ऐसे ना, मतलब आई एम नॉट रीडिंग इट, बट व्हाट आई सजेस्ट इज 5 मिनट्स लेके जस्ट हैव अ क्विक रीड थ्रू कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है. एंड देन फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गुड इन सर्वाइवल, आई विल स्टार्ट विद दैट, इफ आई एम कॉन्फिडेंट विद सर्वाइवल. बट येस, ऑब्वियसली समटाइम्स इट हैपन्स दैट चैप्टर्स यू आर कॉन्फिडेंट इन, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर्स प्रॉपरली. तो उस समय आप क्या करोगे, सिंपली जस्ट स्किप इट एंड मूव अहेड. तो ये जो आर्ट है, ये स्मार्टनेस है, दिस यू विल हैव टू हैव विथ योर सेल्फ. आई ऑलवेज से दिस, दैट अपियरिंग फॉर एन एग्जाम इज नॉट ओनली हाउ मच यू हैव स्टडीड, नॉट ओनली हाउ इंटेलिजेंट यू आर, बट एट द सेम टाइम हाउ क्लेवर, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ स्मार्टली यू आर एबल टू, यू नो, एडजस्ट योर सेल्फ सो दैट यू आर फोकस्ड एंड योर फुल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन क्लियरिंग योर पेपर, रादर देन यू नो परफेक्शन की आई हैव टू अटेम्प्ट फुल, आई हैव टू अटेम्प्ट फुल. ये वाला परफेक्शन नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एन इंश्योरर हैज रिटन 10 इंश्योरेंस पॉलिसीज अंडर विच वन क्लेम कैन बी मेड फ्रॉम ईच पॉलिसी. हाँ, थोड़ा देर बैठो, ठीक हो जाएगा. एन इंश्योरर हैज एक्चुअली, इतना वेदर चेंज हो रहा है ना, एकदम से तुम एसी का टेम्परेचर कम कर देगा तो फिर प्रॉब्लम होगा. 5 मिनट बैठो, इट विल बी फाइन. An insurer has written 10 insurance policies under which at most one claim can be made from each policy. So one claim per policy hai. The probability of claim from policy I is as follows. This is the probability of claim from each of the policies. There are 10 policies. Claim amounts for all policy will follow gamma. Ye diya hua hai. Construct R code to generate and display a single vector, setting out the probability of a claim फॉर ईच पॉलिसी अंडर द सीक्वेंस फंक्शन. तो आपको बेसिकली 10 पॉलिसीज हैं, तीनों 10 प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आपको लिखने, तो उसका फंक्शन आपको बनाना है. वेरी सिंपल, क्विकली डू दिस. पे यू विल हैव टू टूडे पेस्ट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. दोज हु आर नॉट डूइंग इट, आई विल सिंपली जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द क्लास. बहुत ही बेसिक, एंड देर इज नो वन सिंगल सोल्यूशन इन आर प्रोग्रामिंग. इट्स ऑल अबाउट कैसे आपका आंसर आना चाहिए. इट कैन बी मे बी यू आर डूइंग राइटिंग अ कोड इन अ सिंगल लाइन और राइटिंग अ कोड इन अ डबल लाइन, डजंट मैटर, यू शुड गेट द आंसर. दैट्स द होल पॉइंट. वॉट आई जनरली डू इज, सिंस वी हैव 3 क्वेश्चंस, वॉट आई विल डू इज आई विल क्रिएट 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. ठीक है, ऐसे कर करके आपके 3 स्क्रिप्ट्स बन जाएंगे. नाउ आई विल डू क्वेश्चन 1 हियर, क्वेश्चन 2 हियर, क्वेश्चन 3 हियर. रीजन बीइंग, क्वेश्चन 1 में कर रही हूँ, कुछ एरर आ गया, तो ऑब्वियसली दैट एरर यू विल नॉट पेस्ट फ्रॉम कंसोल. सो व्हाट यू विल डू इज यू कंप्लीट दैट एंटायर क्वेश्चन. यू आर गेटिंग सम एरर वार्निंग वट एवर, डू दैट. एक बार यू आर हैप्पी विद द एंटायर थिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस ब्रश, ये पूरा हट जाएगा कंसोल. एंड देन अगेन सिलेक्ट द एंटायर स्क्रिप्ट एंड रन. So you have your first entire question in your, you have your first entire question and आप पूरे कंसोल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तुम चेक नहीं करती हो टाइम टेबल? नहीं, परसों मैंने डाला ना ग्रुप में कि चेक योर टाइम टेबल, वी आर हैविंग रिविजन क्लासेस. चलो अभी फर्स्ट ही स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, इसको करो एंड कोड पेस्ट करो चैट बॉक्स में क्विकली. ऐसे ही कर लो अटेंड. लैपटॉप सेंटर का भी कोई मिलेगा नहीं शायद पे. ठीक है चलो, तो ये वाला करते हैं. किसने भेजा है? हाँ सही भेज, नहीं आर्या, तुमने जो भेजा है ना उसमें तुमने फंक्शन तो यूज ही नहीं किया है. यू हैव टू राइट दैट फंक्शन, अदरवाइज मार्क्स कैसे मिलेगा. जानवी ने सही भेजा है, मुस्कान का भी सही है, वेरी गुड. सो यस, ऑल ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, बट आर्या योर्स इज रॉन्ग, बिकॉज तुम्हें वो पूरा लिखना पड़ेगा ना कोड.
एज इन वो फंक्शन विद द पीआई वाला चीज, अदरवाइज हाउ विल यू अंडरस्टैंड? ये तो हाँ, दिस इज ऑल्सो फाइन. आई एम टेकिंग जानवी वाला. नहीं. अच्छा, यू हैव टेकन एस अप्लाई. ठीक है, एस अप्लाई भी कर सकते हो, नो वरीज. सी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लेते हो. डजेंट मैटर. इट्स फाइन. मतलब आ रहा, तुमको भी मार्क्स मिल जाएगा, तुम्हारा भी सही है. बिकॉज जरूरी नहीं कि आप ये पूरा फंक्शन लिखो. व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज, अगर हम आई की जगह वन डालें तो हमारा पहला वाला प्रोबेबिलिटी आएगा 0.1 प्लस 0.02, विच इज 0.12. तो 0.12, 0.14, मतलब वो 0.02 से इंक्रीज हो रहा है ना. एंड देन लास्ट वैल्यू 10 वैल्यूज है. तो लेंथ आप 10 कर सकते हो, स्टार्ट आप कर सकते हो 0.12 से, एंड इंक्रीज कर सकते हो 0.02 से. तो यू कैन यूज सीक्वेंस फंक्शन ऑल्सो, नॉट एन इशू. ठीक है. वॉट शी हैज डन, शी हैज यूज एस अप्लाई वन से लेके, एक बार यश को बोलो ना, वो कर देगा सेटिंग. ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? वन से लेके 10 तक, एंड बाय इंक्रीमेंट वन, फंक्शन आई वेर आई गोज वेर द फंक्शन इज दिस. तो दिस फंक्शन यू आर अप्लाइंग टू द सीक्वेंस. ठीक है. सो इफ आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, वेट, यहाँ पे ये प्लस के साइंस आ गए हैं. क्लैशर ये वाला, इसमें ये कर दो. तो ये वाला प्रोजेक्टर में नहीं आ रहा है. अरे ये है क्या इसका? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है. सो एनी विच वे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो. मैंने एस अप्लाई यूज करा है, विच जानवी हैज यूज. वेरी गुड, यू रिमेम्बर दिस फंक्शन. नेक्स्ट इज, ये हो गया. उसके बाद बोला है कंस्ट्रक्ट आर कोड टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द थियोरेटिकल मीन एंड थियोरेटिकल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टोटल क्लेम अमाउंट. तो क्लेम अमाउंट गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, राइट? तो उसका थियोरेटिकल मीन एंड थियोरेटिकल स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? एंड दे हैव आस्क्ड यू कि आप ऑफ टोटल क्लेम्स करो, तो कैसे निकालेंगे बताना. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लेम कमिंग इन. पी रन कर लो. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लेम कमिंग इन फ्रॉम ईच पॉलिसी. मीन कैसे निकालोगे? नहीं, वैसे नहीं. टोटल बोला है, देखो टोटल क्लेम अमाउंट्स का मीन बोला है. अब समझो इसमें कैसे करेंगे. व्हाट वी आर सेइंग इज, देर आर 10 पॉलिसीज. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम कमिंग इन फ्रॉम ईच पॉलिसी इज गिवन, एंड ऑल पॉलिसी इंडिविजुअली फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन. तो सपोज मैं बोल रही हूँ 10 पॉलिसीज हैं, फर्स्ट पॉलिसी से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम कमिंग इन, ठीक है, मल्टीप्लाई दैट विद द क्लेम अमाउंट, प्लस सेकेंड पॉलिसी का प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई दैट विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम कमिंग इन, है ना. मतलब बेसिकली 10 पॉलिसीज, फर्स्ट पॉलिसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम इनटू उसका मीन, प्लस ऐसे करके तो हमें थ्योरेटिकल मीन ऑफ टोटल क्लेम अमाउंट मिलेगा. टोटल क्लेम अमाउंट्स क्या होते हैं? एस निकालने बोल रहे हैं, ठीक है. और ये एक तरीके से हम लोग का इंडिविजुअल रिस्क मॉडल है. देखो ना, 10 अलग पॉलिसीज हैं और ईच पॉलिसी विल गिव यू वन वन क्लेम ओनली. तो ये आईआरएम हो गया, और ईच पॉलिसीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, समझ रहे हो? तो गामा का क्या होता है? मीन, अल्फा बाय लैम्डा.
तो 10/2 और वेरिएंस क्या होता है, या स्टैंडर्ड डिविएशन, या अभी स्क्वायर अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज व्हाट? वेरिएंस ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे निकालेंगे वो वाला उसका? अच्छा चलो मैं मीन निकाल के बताती हूँ, वेरिएंस आप लोग खुद से एक बार मुझे बताओगे कैसे निकलेगा। सो मीन का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? मीन का फंक्शन हमारा कैसा बनेगा, हमें फंक्शन लिखना है। फंक्शन में व्हाट ऑल, बिकॉज हम क्या करें, इंडिविजुअली यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद अल्फा बाय लैम्डा, दिस इंटू अल्फा, तो एक फंक्शन बनाने से सही रहेगा। एंड देन यू नीड टू एड इट अप, वही होता है ना? आप क्या कर रहे हो, आपका ये IRM के जैसा है, S इज इक्वल टू A1 + A2 ऐसे समझ लो। तो A1 इज अपने आप में इट्स अ सुपर कम इट्स अ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ए अपने आप में इट्स अ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी इनटू मीन प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू मीन प्लस प्रोबेबिलिटी इनटू मीन। सो व्हाट ऑल यू नीड वन प्रोबेबिलिटी वाला वेक्टर, ठीक है? वन यू नीड गामा का, टू वेरिएबल्स होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल बाद में हम बोल रहे हैं कि चेंज होता है, तो यू नीड अल्फा का एक वेक्टर एंड लैम्डा का एक वेक्टर, ठीक है? तो गामा अंडरस्कोर वन कर दे रही हूँ मैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। G1 लिख दे रहे हैं एक बार, एंड G2 लिख दे रहे हैं। G1 स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट वेक्टर का, मतलब गामा का फर्स्ट पैरामीटर अल्फा, एंड G2 स्टैंड्स फॉर, आप लोग वो भी लिख सकते हो, नॉट मतलब अगर नहीं इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अल्फा व्हाट आई मीन ओवर हियर इज बट इनका वेक्टर, ठीक है? गामा अल्फा का वेक्टर है, बीटा का वेक्टर है, दीज आर नॉट सिंगल वैल्यूज, ये याद रखो, दीज आर नॉट सिंगल वैल्यूज, इनके पूरे पूरे वेक्टर्स हैं, ठीक है? तो हम सम लेंगे, किसका सम लेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला जो पूरा वेक्टर है, दैट यू विल मल्टीप्लाई विथ अल्फा बाय लैम्डा। अब अल्फा का जो वेक्टर है उसका फर्स्ट वैल्यू, बीटा जो वेक्टर है उसका फर्स्ट वैल्यू। सो अल्फा का फर्स्ट, या फिर लेट्स सपोज, हाँ ठीक है, आई मीन ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय गामा। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये वेक्टर्स मल्टीप्लीकेशन करो तो वो एलिमेंट बाय एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होगा एनी विच वेज। आप वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वो एनी वेज आपका वैसे ही मल्टीप्लाई होगा। सो लेट मी रन दिस फर्स्ट। अच्छा हाँ, मैंने गामा लिख दिया भूल से, तो ये हो गया। एंड अब इसको सपोज मुझे रन करना है, तो हम कैसे करेंगे, मीन का फंक्शन, ठीक है? इसमें हम लोग फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने पी में लिया है, कैपिटल पी लिया है मैंने, और यहाँ ये हो जाएगा गामा वाला जो है आपका क्या है, 10 है। नाउ सिंस आई मीन ओवर हियर दैट दिस इज अ वेक्टर, तो 10 10 10 10 10 का ही वेक्टर आएगा, क्योंकि अभी हम सेम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल दीज डिफरेंट पॉलिसीज हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ऐसे ले लेंगे, रिपीट 10 10 टाइम्स, बिकॉज 10 पॉलिसीज हैं, रिपीट अल्फा लैम्डा इज 2 टाइम, हम बीटा क्यों लिखा, आई शुड हैव रिटन लैम्डा, बिकॉज मीनिंग चेंज हो जाता है इनके इसमें। हमने क्लास में किया था ना गामा डिस्ट्रीब्यूशन को, जी गामा सॉरी क्यू गामा पी गामा जब हम लोग करे थे, हम लोग देखे थे दे यूज इट डिफरेंटली बीटा एंड लैम्डा को। सो लेट मी रन दिस अगेन, 2 को 10 टाइम्स रिपीट करते हैं, ठीक है? हाँ एरर नहीं आता, वो 10 को ही सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता, एरर नहीं आता। एक बार देख लो, सेम यू नीड टू डू फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फंक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, गामा बाय अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर, है ना? इज दैट वेरिएंस, या फिर इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देख के बताओ। डोंट देख बी सो, एक्सपीरियंस वेरिएंस है क्या है, वेरिएंस ठीक
ठीक है, बट हम लोग क्या सारे पॉलिसीज का वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं? कैसे करेंगे बताना। डिस्प्ले द थ्योरेटिकल मीन एंड थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टोटल क्लेम अमाउंट्स। बोलो क्या होगा, किसी ने हैंड रेस किया था अभी, बोलो। मैम मेरे को पूछना था कि जैसे इफ एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि टोटल क्लेम्स ले रहे, तो समेशन एक्स विल फॉलो एन अल्फा, मतलब गामा एन अल्फा कॉमा लैम्डा, तो हम लोग वो चीज यहाँ इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल पॉलिसीज हैं, वही तो मैंने बोला। इट्स नॉट अ मतलब दो हमने पढ़ा था ना लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या पढ़ा? रिस्क मॉडल्स में दो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? एक IRM पढ़ा था और एक कलेक्टिव रिस्क मॉडल पढ़ा था, है ना? दो पढ़ा था हमने, तो ये IRM के जैसा है। यू कैन नॉट, तुम्हारा आंसर मीन में मैच हो जाएगा, पर नहीं मैम, मीन में मैच नहीं हो रहा है। तुमने कैसे किया है? 10 × 10/2 अगर वैसे करें तो, 10 कहाँ से आया? क्योंकि एन 10 है और अल्फा भी नहीं, तो 10 N10 कैसे आया? हाउ कैन बी N10? आई कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। N10 इज अ नंबर ऑफ पॉलिसीज, क्लेम्स थोड़ी 10 है आपके। तुमको मीन ऑफ वो निकालना पड़ेगा, है। ओके नंबर ऑफ मैम, क्लेम्स, नोट इट। मीन ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स निकालना पड़ेगा। 10 से कैसे मल्टीप्लाई करोगी तुम? हाँ हाँ समझ गया, ठीक है मैम। बोलो। मैम इसमें एक तरह क्या हम ये कह रहे हैं कि हर एक पॉलिस फॉर आयत पॉलिसी NI फॉलोज बाइनोमियल 1, जो PI। वेरी गुड, यही मुझे चाहिए था मुस्कान। दिस इज वेरी वेरी गुड मुस्कान। व्हेन आई एम कंटिन्यूअसली सेइंग IRM IRM, तो हमने वहां क्या देखा था कि ईच इंडिविजुअल पॉलिसी, ये लाइन बार बार, तो इसीलिए तो मैं बोल रही थी बार बार, ये लाइन कौन रीड करेगा? ये वाला लाइन, इस लाइन का मीनिंग। अच्छा मुस्कान समझाओ इस लाइन का मीनिंग। इस लाइन का मीनिंग ये है कि मैक्सिमम एक क्लेम हो सकता है एक पॉलिसी से, तो इसका मतलब और फिर हमें एक क्लेम आने का प्रोबेबिलिटी भी बता दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हर क्लेम हर एक पॉलिसी से जो नंबर ऑफ क्लेम्स है वो फॉलोज बाइनोमियल 1, PI, वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हैं, 10 पॉलिसीज है। हम लोग ने IRM में क्या डिफाइन किया था? कैपिटल N, नंबर ऑफ पॉलिसीज इज नोन बट नंबर ऑफ क्लेम्स इज नॉट नोन। Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डॉट 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 Y कैपिटल N। यहाँ कैपिटल N इज 10, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 डॉट 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 Y कैपिटल N, दैट एंड I हम लोग बोल रहे हैं ना, मतलब स्मॉल N I, मतलब नंबर ऑफ क्लेम्स फ्रॉम द ith पॉलिसी फॉलोज बाइनोमियल 1, PI। क्योंकि या तो 1 क्लेम होगा या तो 0 क्लेम होगा फ्रॉम ईच पॉलिसी। आप लोग एक बार अपना कॉपी खोलो एंड आयर उसमें चले जाओ, इंडिविजुअल रिस्क मॉडल वाले पार्ट में। उसमें क्लियरली हमने जो पूरा लिखा है वही है। आप अगर समझ जाओगे ना कि ये कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस से लिया गया है, तो कोई भी कर सकता है फिर ये क्वेश्चन। इट्स दैट ईजी। तो क्या है, Y1 प्लस Y2, दीज आर द क्लेम अमाउंट फ्रॉम आयथ पॉलिसी, ईच पॉलिसी, राइट? तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोबैब दैट नंबर ऑफ क्लेम्स फ्रॉम ईच पॉलिसी फॉलोज बाइनोमियल 1, PI। ये जो PI दिया हुआ है, इंडिविजुअल PI, मैंने याद है PI ही, मैंने QI लिखा था, बाइनोमियल 1, QI लिखा था मैंने, अगर आप लोग
देखोगे अपने कॉपी में, क्यू आई वॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम फ्रॉम द आयथ पॉलिसी. अंडरस्टूड? और फिर मैंने नीचे में, सबसे नीचे में मैंने मीन ऑफ एस एंड वेरियंस ऑफ एस लिखा है. मीन ऑफ एस आई क्या लिखा था? समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to 10. बोलो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा? मीन, बाइनोमियल का मीन क्या होता है? एन इंटू, तो एन इंटू क्यू आई इंटू मीन ऑफ एक्स. मीन ऑफ एक्स इज अल्फा बाय लैम्डा, एन इज 1 एंड क्यू आई हमने वही किया है. क्यू आई इंटू मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन एंड समेशन. अगर आप लोग कॉपी खोल के देख रहे हो, मैं यहाँ पे दिखा नहीं रही हूँ बिकॉज यू ऑल हैव योर नोट्स, दिस इज अ रिविजन क्लास, यू ऑल शुड हैव योर नोट्स, यू ऑल शुड हैव इट इन योर माइंड. मैंने क्या बोला था? कुछ भी मत करना, डेली 1 आवर मेरा नोट्स कॉपी रिवाइज करना, दैट्स इट. आपको कोई नहीं रोक सकता फिर एग्जाम क्लियर करने से. CS2 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. 1 आवर जो बच्चा मेरा कॉपी रीड कर लेगा ना, हाफ एन आवर भी एवरी डे रीड कर लेगा, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्लियर. वेरी गुड मुस्कान, आउट ऑफ 16-17 स्टूडेंट्स ओनली 1 स्टूडेंट आंसर्ड. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे हो, ये नहीं, मैंने बार बार आई आर एम बोला बट नो वन आंसर दिस क्वेश्चन. तो मीन मैंने क्लियरली क्या लिखा है? समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to 10, एन तो हमारा 1 है, क्यू आई इंटू मीन ऑफ एक्स विच इज अल्फा बाय लैम्डा, उसका समेशन है बाहर. वेरियंस क्या था मुस्कान, बता सकते हो? उसका भी फंक्शन बना लेंगे फिर. इन्होंने पर स्टैंडर्ड डिविएशन बोला, स्क्वायर रूट ले लेंगे. बोलो. चैट में तुमने किया है सेंड, तो मुझे थ्योरी वाला मीन बता दो, वेरिएंस बता दो. मैम थ्योरी में अगर हम स्पेसिफिकली बायनोमियल वाला केस ले, तो फिर यहाँ पे क्यू आई इंटू 1 माइनस क्यू आई इंटू, ऐसे नहीं, समेशन होगा बाहर, स्क्वायर, पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर समेशन ले लेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे जो प्रोबेबिलिटी पी आई क्यू आई इंटू 1 माइनस into 1 minus qi into expectation of x ka square. ठीक है, qi into 1 minus qi into expectation of x ka square plus qi into variance of x. ये जो पूरा अंदर लिख रहे हो, ये वाला जो अंदर लिख रहे हो, this is nothing but हम लोग क्या पढ़ते हैं, compound distribution का variance. compound distribution का variance क्या होता है? variance of n into expectation of x square प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, वही चीज है. बट यहाँ इंडिविजुअल है तो अलग अलग आयत पॉलिसी का लेंगे एंड देन सम कर देंगे सारे को. वेरी गुड. एंड तुमने आई थिंक मुझे सही भेजा है जो मुझे दिख रहा है चार्ट बॉक्स में. वेरी गुड. ये किसने भेजा है? तीर्था. दिस इज ऑल्सो फाइन. यस This is also correct, Teetha. Very good. ये भी one way of representing है. Function बिना बनाए देखो कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हमारे values हैं, policies हैं, सबका variance same है, Teetha. Very good. This is also, I think this will be easier without creating a function. Yes. I'll just copy this. But very good, Muskan. I'm very happy that at least someone answered. स्क्वायर रूट सम, ठीक है. तो ये हो गया देखो वेरियंस ऑफ एन, और ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा मीन ऑफ एन, ये हो गया हमारा वेरियंस ऑफ एक्स. वेरी गुड. मैंने भी ये लिया था ना, हाँ ठीक है. तो इसको भी रन करते हैं आंसर के लिए. एस डी एंड बाहर स्क्वायर रूट कर दिया क्योंकि वी वॉन्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन. एस डी एफ इसके अंदर पहला हम लोग लिख देंगे प्रोबेबिलिटी पी लिखा है हमने. अल्फा के लिए अगेन वी कैन से रिपीट 10 टाइम्स एंड लैम्डा के लिए रिपीट. अच्छा तुमने गामा लिख दिया इधर, कोई बात नहीं, 2-10 टाइम्स. ठीक है, दिस इज द आंसर दैट यू शुड गेट. मैच योर आंसर्स वंस. एक बार रिलेट कर ली. अब क्या होता है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड दिस रॉन्ग. ऑल्दो क्वेश्चन इज इजी, क्वेश्चन आपके फेस पे आपको बोल रहे कि दिस इज आई आर एम, बट आपको लगता है कि कितने स्टूडेंट्स ने किया होगा? मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट. नॉर्मल वाला चीज जो है कलेक्टिव रिस्क मॉडल लेके करने लग गए. ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. यस सीता बोलो, आंसर नहीं मैच हो रहा क्या? यस मैम, आंसर इज डिफरेंट. आई एम गेटिंग 6.77. हाँ आना चाहिए तो 6.77. इनका भी आंसर शायद इन्होंने वो नहीं किया है, इन्होंने स्क्वायर रूट नहीं लिया है शायद. इन्होंने वेरिएंस निकालने बोले कि स्टैंडर्ड डेविएशन. एक बार मैं ये स्क्वायर रूट हटाती हूँ फिर आई थिंक समहाउ आंसर आएगा, बट मुझे देखने दो. ये नहीं, इन्होंने किया है 2 to the power 0.5. नहीं, एक बार मैं ब्रैकेट बना देती हूँ इधर. वैसे तो ब्रैकेट के अंदर ही है अल्फा बाय गामा. नहीं ये गलत हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं आता. यस मैम, यस मैम, यहाँ नहीं आता ना. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है देखो, हाँ आर की जगह पे 2 डाल के देखो ना, अल्फा बाय गामा का होल स्क्वायर होगा. ठीक है ये होल स्क्वायर होगा, ये गलत हो गया है. बाकी चीज तो सही लग रहा है मुझे. अभी एक बार करते हैं ट्राई, अभी मैच होना चाहिए. ये गलत फॉर्मूला डाल दिया था इसने, यहाँ पे ये अल्फा बाय गामा का होल स्क्वायर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया प्रोबेबिलिटी, फिर ये वेरिएंस होता ही है. अब इसको रन करते हैं. हाँ अब मैच हो रहा है, आंसर अब करेक्ट है. ठीक है नेक्स्ट आ जाओ. कंस्ट्रक्ट आर कोड टू जेनरेट. अब देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 1 million सिमुलेशंस ऑफ क्लेम अमाउंट्स अंडर ईच ऑफ द 10 पॉलिसीज यूजिंग अ रैंडम नंबर 500 डिस्प्ले द फर्स्ट 5 सेट ऑफ सिमुलेशंस. तो क्या बोला है क्वेश्चन में, सेट ऑफ सिमुलेशंस का क्या मतलब है? 1 million सिमुलेशंस, ईच सिमुलेशन विल हैव 10 वैल्यूज, 10 क्लेम अमाउंट्स, तभी तो सेट ऑफ सिमुलेशंस आ रहे हैं. सिमुलेशंस ऑफ क्लेम अमाउंट अंडर ईच ऑफ द 10 पॉलिसी बोला है. तो 1 million रोज, ईच रो हैविंग 10 10 10, है ना? तो कैसे करेंगे ये? सीड वैल्यू ले लो, मैं बता रही हूँ आप लोग ट्राई करो. ठीक है ये ले लो n इक्वल्स टू 1 million ले लो. ठीक है एक मैट्रिक्स बना लो आपका कैसा, दो मैट्रिक्स बना लो. इनफैक्ट एक मैट्रिक्स बनाओ नंबर ऑफ क्लेम्स का, एक मैट्रिक्स बनाओ अमाउंट ऑफ क्लेम का. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडिविजुअली 0 or 1 होगा. नंबर ऑफ क्लेम्स 0 or 1 होगा, या तो 0 क्लेम्स आ रहे हैं या तो 1 क्लेम आ रहा है फ्रॉम ईच पॉलिसी. ठीक है तो कहीं 0 है कहीं 1 है, और एक बनेगा क्लेम अमाउंट का. 10 10 10 10 करके क्लेम अमाउंट्स बन जाएंगे. उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो जहां 0 है वहां 0 हो जाएगा, जहां 1 है वो क्लेम अमाउंट आ जाएगा. यही ना, दो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में 1 million रोज और 10 कॉलम्स. या फिर अगर इफ यू वॉन्ट टू डू उल्टा, आई फील वॉट दे वॉन्ट इज, इन्होंने कुछ क्लियरली बोला नहीं कि कौन सा रो लेना है कौन सा हमें वैसा लेना है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव नंबर ऑफ रोज एज 10 एंड यू कैन हैव 1 million कॉलम्स ऑल्सो. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू डिसाइड. एंड देन आपको क्या करना है, कहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ क्लेम्स, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉम, आर बाइनॉम यूज करना है. R binom 1 million comma 1 n is 1 and आपका वो जो probability qi pi में दिया हुआ pi हो गया. This you will do for 1 million times. तो 1 million times 10 10 10 10 10 10 10 10 values आपको मिल जाएंगे. एक के साथ बनेगा ना, pi तो vector है 10 का, तो 10 ही निकलेगा. सोचो थोड़ा और ट्राई करो. फिर क्लेम अमाउंट्स के लिए आर गामा यूज करो. ठीक है फिर वो आ गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेक्टर बन जाएगा. ऐसे कर लो, 10 रोज बना लो और 1 million कॉलम्स बना लो. ठीक है एक बार ट्राई करो खुद से.
ट्यूशन में लेगा कैसे क्लास चल रहा है ऐसे कौन करता है किसी ने भी कोड नहीं भेजा, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं है, बहुत इजी है। सीड वैल्यू ले लो, क्या है 500, एन ले लो 1 2 3 1 2, ठीक है तो मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक क्लेम्स का जीरोस का एन रो बना दो 10, एन कुल बना दो एन, ठीक है। सेम यू डू फॉर
amounts. Ye ho gaya. We have two matrix now. Now for I in 1 se leke 10 tak. Nahin. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समझो, आई विल शो यू क्या करना है मुझे. सो बेसिकली क्लेम्स में यू हैव हाउ मेनी रोज, 10 रोज एंड 1 मिलियन. ठीक है, तो फॉर लेट्स राइट आई 10 रोज हो गया एंड ऑल कॉलम्स. आईथ रो, फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट पॉलिसी, सेकेंड रो मीन्स सेकेंड पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी 10 पॉलिसीज तक. तो आईथ पॉलिसी के लिए हम लोग ऐसे से निकाल रहे हैं ऑल कॉलम्स. आर बायनॉम, इफ यू रिमेंबर आर बायनॉम, पहला होता था आपका एन, विच इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या बेसिकली नंबर ऑफ लाइक सिमुलेशंस दैट यू वांट. यू वांट 1 मिलियन सिमुलेशंस, तो वो हमारा एन में डाला हुआ है. देन साइज एंड प्रोबेबिलिटी, तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन एंड पी होता है. सो दिस इज वन फॉर अस बाइनोमियल, ईच पॉलिसी फॉलोज वन बाइनोमियल 1, PI जो हमने ऊपर डिस्कस किया. पी मतलब ये वाला. सो आई कैन राइट व्हाट पी एंड इसका आयथ वैल्यू, क्योंकि क्लेम्स 1, ऑल रोज ऑल कॉलम्स, 1 मतलब फर्स्ट रो, दिस मींस फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, मतलब फर्स्ट पॉलिसी के लिए कर रहे हैं. फॉर फर्स्ट पॉलिसी वी आर डूइंग फॉर 1 मिलियन columns. For first policy you are generating the kya bolte 1 million times 0 ya 1, 0 ya 1 kya aega, to 1 million ho gaya, n is 1 and this is your probability pi, kyunki p is a vector of 10 values, hame first value extract karna hai. After claim you need to do the same thing for amounts. तो अमाउंट्स का आयत थ्रू ऑल कॉलम्स आर गामा, दिस एन इज अगेन नंबर ऑफ कितने आपको वैल्यूज चाहिए विच इज 1 मिलियन, अल्फा कॉमा लैम्डा, शेप एंड रेट. ठीक है, वंस दिस इज डन, अच्छा लेट्स क्रिएट अ न्यू वेक्टर ऑल्सो, न्यू मैट्रिक्स जिसमें आपको सारा पुट इन करना पड़ेगा. आई थिंक ये अपने आप क्रिएट हो सकता है, सिम्स में डाल देते हैं क्लेम्स, नहीं बट ये हमें अलग से बनाना पड़ेगा, ये इसके अंदर नहीं बनेगा लूप के अंदर. सो ये आपके, ये मैं एक बार रन कर रही हूँ. ठीक है देखो, इट इज टेकिंग सम टाइम, ये अब आपका आ गया. देखो इधर आओ, अमाउंट्स एंड क्लेम्स, इट्स अ लार्ज मैट्रिक्स, मैं एक बार इंडिविजुअली दिखाती हूँ. क्लेम्स देख लो, क्लेम्स आपका इट विल टेक सम टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज मैट्रिक्स दैट वी आर मेकिंग. आर ऑल्सो गेट्स स्लो आफ्टर 1 मिलियन वैल्यूज, 10 मिलियन वैल्यूज बोल सकते हैं. That's why big data we cannot use in R. तो ये लोड होगा धीरे धीरे, 10 रोज है होंगे एंड 1 मिलियन, देखो 0101 आ रहे हैं. फॉर फर्स्ट पॉलिसी दीज आर द डिफरेंट सिमुलेशंस. ठीक है, सिमिलरली आई एम नॉट ओपनिंग दिस बिकॉज इट विल टेक टाइम. अमाउंट्स में डिफरेंट अमाउंट्स रहेंगे फ्रॉम गामा डिस्ट्रीब्यूशन. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू एंड क्रिएट न्यू सिम्स बना लेते हैं. Claims multiplied by amounts. तो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो आ जाएगा, जहां जहां जीरो नहीं है वहां वहां यू विल गेट अ क्लेम अमाउंट. ठीक है,
अब यू एक सेकेंड, अब उन्होंने बोला है टू जेनरेट फाइव सेट ऑफ सिमुलेशंस, फाइव सेट ऑफ सिमुलेशंस ऑल रोज, क्योंकि 10 रोज तो चाहिए 10 पॉलिसीज का, एंड फाइव सेट ऑफ सिमुलेशंस, दिस इज व्हाट दे वांट. हाँ तीर्थ, तीर्थ और दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, डबल लूपिंग भी कर सकते हैं. एक बार आंसर मैच कर लो, आ रहे कि नहीं खाली, क्या बोल रही हो? आई विल नॉट से अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो फिर हम लोग ये हमेशा नहीं बोल सकते कि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड री इंश्योरेंस ईजी होते हैं. अभी प्रूव हो गया ये चीज कि इजी नहीं होते हैं. Next question. Construct R code to generate and display the vector showing mean and standard deviation of claim amounts for each policy from the simulations in part 3. वो theoretical था. Now हम लोग क्या करेंगे? We need to generate mean and standard deviation for 10 policies. है ना? Individually 10 policies का बोला है. For each policy बोला है. देखो. So 1 million simulations you have, take mean of that. 1 million policies you have, take standard deviation of that. कौन सा function use कर सकते हैं? Matrix पे हमें mean apply करना पड़ेगा and standard deviation apply करना पड़ेगा. So we will use apply function. S apply होता है जब आप एक vector पे कुछ apply करते हो, and simply apply function होता है when you do it on a matrix. X is your matrix. Margin is whether you want to apply it row wise or column wise and what function you need to apply. सिम्स रो वाइज करना है कि कॉलम वाइज करना है? हाँ रो वाइज करना है ना. सो वन लिखेंगे, वन फॉर रोज, एंड देन पहला हो गया मीन. देखो ये मीन आ गया इंडिविजुअली एंड सेम स्टैंडर्ड डिविएशन. सी प्लीज मैच योर आंसर्स. ठीक है, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टोटल क्लेम अमाउंट्स फ्रॉम 10 पॉलिसीज. तो अगेन एंड कंपेयर दिस विद पार्ट 2. तो अब हम लोग को इसमें क्या करना है बता सकते हो? कैसे निकालेंगे मीन? टोटल का निकालना है. तो अगर मैं बोलू वी हैव, ध्यान से सुनना, 1 million simulations and 10 rows sums
मीन ऑफ रो सम्स करके कैसे मीन कर रही हो तुम? कॉलम सम नहीं होगा दीपाली, गलत है तुम्हारा, एकदम गलत है. नो, डज नॉट मेक सेंस. रो सम करने का सेंस समझ में आ रहा है कि मतलब तुम एक ही पॉलिसी को तुम सम कर दे रही हो, सारी का तुमने सम कर लिया रो वाइज. नहीं, आई मीन यू माइट गेट एन आंसर फॉर मीन, बट हाउ विल यू डू फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं कर पाओगे वैसे, है ना? क्या करेंगे, ध्यान से सुनना. यू हैव 1 million सिमुलेशंस, आप लोग लॉजिक बताओगे मुझे, एंड 10-10 पॉलिसीज. सो सम ऑफ टोटल क्लेम्स क्या होगा? कॉलम सम्स. Each column sum denotes sum of claims from 10 policy, 10 policy, 10 policy, 10 policy, 10 policy. Sum आ गया, उसका mean बोला है ना, तो उसका mean, उसका standard deviation. Simple. तो coal sums भी कर सकते हैं, या फिर apply function भी आपको लगाना है तो आप apply function भी लगा सकते हो. तो let's do one thing. Mean of अप्लाई फंक्शन करना है तो अप्लाई फंक्शन कर लो. कोल सम्स करना है तो आई थिंक कोल सम्स हम लोग कर सकते हैं. कोल सम्स ऑफ सिम्स, हाँ ठीक है. मैच करो आंसर, एक बार देख लो. ये आया था और हमारे पार्ट टू में आंसर्स आए थे 10.5 and 6.77. 10.5 तो ये close है, हम लोग बोल सकते हैं mean of total claims is 10.49 and वहाँ पे था mean 10.5, so very very consistent, very close, and this was 6.774, यहाँ पे 6.78 आ रहे हैं, again 2 decimals तक if you see is very close to the theoretical values. Why? Because we have generated 1 million simulations. So it's a very huge number of simulations that you have generated. Are you all getting the logic of what we are doing? 10 rows and 1 million simulations, what it means is up simulation wise, your simulation number 1 denotes 10 claim amounts from 10 different policies. It can be a zero or it can be something else. To column sum karne se aap individually simulations ka sum of Y1 plus Y1, Y2 aap wo kar rahe ho basically. ठीक है, आप पूरे पूरे का सम ले रहे हो, एज इन Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, वो चीज का सम. ठीक है, वो चीज का सम आप कर रहे हो 1 million टाइम्स, एंड उसका आपको मीन निकालना था. दैट इज व्हाट दे वांटेड. सिमुलेशन वाइज जाओ हमेशा, इट्स ऑलवेज सिमुलेशन वाइज. ईच सिमुलेशन इज जनरेटिंग 10 क्लेम अमाउंट्स, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी समथिंग एल्स. एक बार ये चीज गो थ्रू करो क्या किया है पूरे सम में, देन ओनली वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. कोई डाउट है तो अभी पूछना, इट्स अ वेरी गुड सम.
सम्स का तो करना ही नहीं है ना दीपाली. अच्छा पहले का ही है. चलो नेक्स्ट करते हैं. अभी क्लियर है सबको? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स बोलो. ये एस्टिमेट ये कितने मार्क्स के? 38. एस्टिमेट फ्रॉम द सिमुलेशंस इन पार्ट 3 द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो क्लेम इनकर्ड फ्रॉम ऑल 10 पॉलिसीज. मतलब क्लेम्स वाला जो मैट्रिक्स है अगर उसमें सब में जीरोस होंगे तो मतलब देयर इज नो क्लेम. सो आउट ऑफ 1,000,000 टाइम्स in how many simulations you are getting all zeros, that is what they want. Samajh rahe ho? So basically what they want is, again if I repeat, two things you can do. Jaise ye jo claims wala matrix hai, isme you can check ki kitne mein aapka zero aa raha hai, theek hai? Basically aise bhi check kar sakte ho column sums. Kitne bar column sums zero hai, jitne bar column sums zero hai, matlab in that particular simulation there was no claim. या फिर आप कॉलम सम्स ऑफ सिम्स भी कर सकते हो. एक ही बात है, सिम्स में भी अगर जीरो है तो मतलब जीरो क्लेम है. सो एनी विच वे इफ यू वांट टू डू. सो नंबर्स ढूंढने आपको कितने टाइम्स ऐसा हो रहा है. सो हाउ विल वी डू दैट? टू वेज. सी विच फंक्शन से तो आपको कौन से सिमुलेशन में हो रहा है वो मिलेगा, वो नहीं चाहिए. टोटल नंबर ऑफ सिमुलेशन चाहिए. तो ध्यान से सुनना. कॉल सम्स ऑफ सिम्स आपको 1,000,000 वैल्यूज मिलेंगे. इफ आई रन दिस 1,000,000 सिमुलेशंस के कॉलम सम्स आपको मिलेंगे, उसमें से हाउ मेनी आर जीरो जीरो, मेरे को ये निकालना है. इक्वल टू इक्वल टू. इट्स नॉट विजिबल. व्हाई इट्स नॉट विजिबल? मैम हो गया अभी ठीक है? हाँ. तो कितने बारी जीरो आ रहे वो आपको मिल जाएगा, मतलब ट्रू फॉल्स आएगा. जहां जहां जीरो है वहां वहां ट्रू. तो जहां जहां ट्रू है उसको हमें सम कर देना है. ये जब आप रन करोगे ना, मत कर लेना, 1,000,000 वैल्यूज आ जाएंगे. तो जब आप इसको रन करोगे ना तो क्या होगा कि आपको ये जब आप रन करोगे ना तो आपको 1,000,000 वैल्यूज मिलेंगे. उसमें से कितने जीरोस हैं वो आपको देखना है एंड यू हैव टू सम दैट. ट्रू फॉल्स ऐसे आएगा, उस ट्रू को आपको सम करना है एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1,000,000 व्हिच इज एन. हमने एन में ऑलरेडी ले रखा है. सो 9.2458 is the probability of no claims out of 1,000,000. देख लो नंबर भी अगर देखना है. 9.2484458 कॉलम्स ऐसे थे जहां पे आपने कुछ पे नहीं करा. कैलकुलेट द 99th परसेंटाइल ऑफ टोटल क्लेम्स फ्रॉम सिमुलेशंस इन पार्ट 3. तो अब जो सिमुलेशंस हैं, ठीक है, कोल सम्स बेसिकली, उसका 99 परसेंटाइल वैल्यू आपको निकालना है. क्वांटाइल फंक्शन कैसे करेंगे? क्वांटाइल में पहले एक्स होता है, पहले कोल सम्स जाएगा. कोल सम्स को अगर आपको किसी उसमें डालना था ना तो आप डाल सकते थे. 0.99 देख लो, ये आपका 99th परसेंटाइल वैल्यू है. प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ सिमुलेटेड टोटल क्लेम अमाउंट्स शोइंग द डेंसिटी ऑन वाई एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस आपको डेंसिटी. तो हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्ट फंक्शन यूज करना है. क्विकली मेरे को बताओ, हिस्ट एक्स एक्सिस पे कोल सम्स. आप लोग इसको ना एक उसमें ले सकते हो, किसी वेक्टर में डाल सकते हो. आई फील दैट विल बी गुड. बार बार कोल सम्स नहीं लिखना पड़ेगा. एंड क्योंकि डेंसिटी है सो फ्रीक्वेंसी फॉल्स करेंगे. सी ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सो इट सीम्स लाइक पॉजिटिवली स्क्यूड. एंड
हम लोगों ने पढ़ा भी है एंड गामा इज ऑल्सो पॉजिटिवली स्क्यूड, बाइनोमियल इज ऑल्सो पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस इज ऑल्सो शोइंग यू अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. Plot the density function of normal distribution using the parameter values from part 2 on top of the histogram. तो अब हम लोग normal approximation करने बोल रहे हैं लोग, basically वही चीज इनका meaning है. That plot a line या plot a histogram, line बोला ना, on top of बोला, on top of. So we'll plot a line chart on this of a normal distribution with parameters that we calculated in part 2. So basically theoretical mean and theoretical standard deviation. So lines function के अंदर कौन सा डालेंगे? Density function plot करना है normal distribution का, कौन सा function? D-norm. आप लोग पता है खुद से लिखना नहीं सीख रहे हो functions. D-norm हो गया. अब x values देते हैं, यहाँ के x values if you see is somewhat going from 0 to 40, 45 बोल सकते हैं. तो आप लोग ऐसे अंदाजा भी ले सकते हो और यू कैन सी कि इसमें कोल सम्स का सिम्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या था. ठीक है, उससे भी एक आइडिया लग जाएगा इफ यू वांट टू डू दैट. मैक्सिमम ऑफ 54 के अराउंड है, तो बहुत ही छोटा है. तो अगर आप 50 तक करते तो गलत होता. मे बी ओनली वन और टू वैल्यूज आर देयर, दैट इज व्हाई इट्स नॉट शोइंग अप ओवर हियर. सो डी नॉर्म में सीक्वेंस में ले लो. Let's start from 0. Hmm? 55 ले लेते हैं. ठीक है, ठीक है. फिर मीन में क्या डालोगे? Let's use the function, या फिर आप लोगों को कॉपी कर लो values. ये देख लो, ये था ना मीन एफ, ये मैं डाल देती हूँ. या फिर वो आप लोग पूरा 10 point जो भी आ रहा था 10.5 वो भी लिख सकते हो डायरेक्टली, और यू ऑल कैन टेक दिस फंक्शन आल्सो, डजंट मेक मच डिफरेंस. देख लो इसके ऊपर आ गया लाइंस. Calculate 99th percentile of the total claim amounts using normal distribution to approximate the total claims. तो अब हम लोग in part 9, तो ये जो हमने normal distribution लिया, इसका हमें 99th percentile value निकालना है. कैसे निकालेंगे? पर क्यू नॉर्म करके देखो क्या आंसर आ रहा है. हाँ, क्यू नॉर्म से आ जाएगा. क्यू नॉर्म 0.99, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आपका यही है. सही नहीं आ रहा आंसर. इधर आया था 28 पॉइंट समथिंग ना, तो इतना कम नहीं आ सकता ये. क्यू नॉर्म 0.99, मीन. अच्छा, आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का ही आ रहा है. हाँ, मैंने ये क्लोज नहीं किया इसीलिए. वही अब सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर.
हमारे केस में द आंसर वॉज 28 यूजिंग सिमुलेशन, दिस इज 26, विच मीन्स वॉट, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पॉजिटिवली स्क्यूड है. इफ योर 99th परसेंटाइल वैल्यू इज हायर देन थियोरिटिकल, तभी मतलब क्या ये थियोरिटिकल है, हमारा सिमुलेटेड ये है, तो योर सिमुलेशंस आर मोर पॉजिटिवली स्क्यूड ना. बोलो why? Because normal distribution gives you, no, they have approximated, हमने ये क्लास में भी किया थ्योरी में, total sum of claims S, aggregate claim amounts को इन्होंने approximate किया using normal distribution. Why it's not a good approximation? Because normal distribution gives you negative values as well. Aggregate claim amounts cannot give you a negative value, but here it gives you negative values as well. So it has non-zero probability. Non-zero probability of negative values as well. हमारे केस में नेगेटिव वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी जीरो होना चाहिए, बट इनके केस में व्हाट आर दे सेइंग? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा डिफॉल्ट क्या है कि वो आपको नेगेटिव वैल्यूज देता है. सो हाउ कैन यू यूज दैट एज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर अ पर्टिकुलर मॉडल जहां पे आपके सारे वैल्यूज पॉजिटिव हैं. ठीक है, अनदर थिंग कि वो ज्यादा वेरियंस उसका मतलब टेल्स उसके लॉन्गर नहीं होते, सो इट डज नॉट कैप्चर द सी. यहाँ पे यू कैन सी ना जीरो पे ज्यादा वैल्यूज हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला ये कितना नीचे जा रहा है. फॉर यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग जीरो टोटल क्लेम अमाउंट इज समवेयर ओवर हियर, बट थियोरेटिकल इज हियर, इट्स वेरी लो. आप लोग जिनका CM2 किया हुआ है उनको भी थोड़ा बहुत ये अंडरस्टैंडिंग होगा फ्रॉम हम लोग शेयर प्राइस में जब लॉग नॉर्मल यूज करते थे. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन के अराउंड रिवॉल्व होता है ना, तो ये 10.5 के अराउंड रिवॉल्व होगा. देख रहे हो ये 10.5 है, देख रहे हो इसके अराउंड पे इट्स रिवॉल्विंग. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, मीन के उधर होता है. कहाँ? सिमेट्रिक अराउंड मीन. मीन वॉज वॉट? 10.5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू जीरो एग्रीगेट क्लेम अमाउंट इज लोअर फॉर नॉर्मल. दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन, बट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हैज थिकर टेल्स कंपेयर टू नॉर्मल, हेंस 99th परसेंटाइल वैल्यू इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ डिफरेंस हियर. इट्स 26, देयर इट इज 28. सो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर. Right, it's not a good approximation. We have done it in theory also. We are doing it here also, but it's not a good approximation. These are the reasons. अगर ये reasons अच्छे से नहीं लिखोगे, unshunt बकवास लिख के आओगे, marks नहीं मिलेगा. They are not sitting there to give you marks unnecessarily. Comment on appropriateness 2 marks. I want at least good 3 points. If you are not giving me good 3 points, I cannot give you good marks. Negative values, इसका एक point. दूसरा नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी फॉर जीरो एग्रीगेट क्लेम अमाउंट बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड मीन, तो इसका जीरो. तो ये सेकंड एंड थर्ड थिकर टेल्स एंड फोर्थ यू कैन कमेंट ऑन द 99th परसेंटाइल. 2 marks गुड, 4 points अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग द मार्क्स. आप 10 lines लिखो आपको मिलेगा 0.5 क्योंकि आपने लिखा बकवास है. तो आपका यहाँ लेंथ ऑफ आंसर विल नॉट डिफाइन योर मार्क्स. 4 points लिख के आओगे एकदम क्रिस्प मार्क्स मिलेगा. 10 points स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेलिंग CS2 बाय 2-3 marks, उनका पेपर आई हैव सीन, मतलब कुछ भी कमेंट लिख रहे हैं, बल्कि ज्यादा मार्क्स से फेल होना चाहिए था, कुछ भी कमेंट लिख देते हैं, कुछ भी लिख देंगे. 2 mark के क्वेश्चन में 10 line लिख दिया, 1 line में कोई सेंस नहीं बना रहा. 0.5 भी देना ही नहीं चाहिए था, वो दे दिया एग्जामिनर ने दया खा के. सो प्लीज राइट सेंसफुल पॉइंट्स. ठीक है, ये चीज अब आपको क्लियर दिख रहा है. ये अगर थ्योरी में आता कमेंट ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कैसे करते, ये पॉइंट्स लिखते. यहाँ आपको दिख रहा है, यू कैन रिलेट द ग्राफ ओवर द, यू कैन नॉट सी बट यू हैव टू कमेंट. प्लॉट अ ग्राफ सिमिलर टू द वन इन पार्ट 9 में क्या बनाया था हमने, हिस्टोग्राम, बट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम फ्रॉम पॉलिसी IS दिस. अच्छा चेंज कर दिया इन्होंने, PI चेंज कर दिया है. अच्छा PI चेंज किया तो क्या हमें सब कुछ दोबारा से बनाना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी की जगह तो PI लिखी है, इसमें प्रोबेबिलिटी की जगह P2 लिख सकते हैं.
मैट्रिक्स सिमुलेशंस भी तो वापस से चेंज होंगे, सिमुलेशंस भी दोबारा चेंज होंगे, तो सिमुलेशंस भी दोबारा करने पड़ेंगे। करो, चलो कॉपी पेस्ट स्टार्ट हो जाओ, कुछ नहीं करना, मैं बता रही हूँ, इतना इतना तो डरना ही नहीं होता है लाइफ में। स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल शो यू फर्स्ट, देख लो फिर करना। सिम्स आपको पूरा निकालना है पड़ेगा, दिस इज व्हाट पार्ट 12 आई थिंक 12 या 11 में से कुछ है, ठीक है। अब इसमें खाली आपको पी आई दोबारा लिखना पड़ेगा, एक बार बताना पी आई का फंक्शन क्या बना दिया इन्होंने, जीरो पॉइंट फोर प्लस, ठीक है, बेसिकली क्या किया, पहले 0.1 प्लस था, अब 0.4 इंक्रीज, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम्स इंक्रीज कर दिया है, तो एवरीथिंग विल इंक्रीज, मीन ऑफ टोटल एंड ऑल दैट, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर दिया 0.3 से, सब में 0.3 से इंक्रीज कर दिया प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका पी हो गया, पी पहले निकाल लेंगे बढ़िया से, फिर हम ये पूरा सिमुलेशन सेट ऑफ सिमुलेशन करेंगे, क्लेम्स वन बना देते हैं, ठीक है, वन जहां अगर चेंज कर रहे हो तो सब जगह करना, वरना मत करो। ये भी ये पी आई, अच्छा पी मैंने चेंज ही नहीं करा, ठीक है कोई बात नहीं, देखो इट टेक्स टाइम टू डू इट, ठीक है ये बन गया मेरा। अब हमें क्या करना है, कोल सम्स का हिस्टोग्राम बनाना है, तो ये आ जाओ इधर, हिस्टोग्राम ले लो, लाइंस फंक्शन भी पूरा ऐड कर देंगे तो लाइंस भी ले लो, आ जाओ देखो एक बार हिस्टोग्राम में कोल सम्स ऑफ सिम्स वन करेंगे, है ना, देखो ये नया है, अभी थोड़ा नॉर्मल को टेंड कर दिया, जो बता दिया ना मेरे को कि क्यों नॉर्मल को 10 किया, मतलब उसका एग्जाम क्लियर है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है डिस्ट्रीब्यूशंस के। हाँ बोलो, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी 0.5 के पास हो रही है, तो फिर बायनॉमियल की डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल हो जाएगी। वेरी गुड, एन इज बायनॉमियल, बायनॉमियल 1, P, पी आप इंक्रीज करो, हम लोग बोलते हैं एन पी मीन इफ दैट टेंड्स टू, मतलब इफ दैट इज ग्रेटर देन 5, तो हम लोग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करते थे, आप लोगों ने CS1 में सीखा है। यहाँ पे P इंक्रीज करने से इट इज टेंडिंग मोर टुवर्ड्स, बेसिकली P 0.5 भी बोल सकते हैं, मुस्कान इट्स नॉट कम्प्लीटली करेक्ट, व्हाट आई एक्चुअली वांटेड इज NP शुड टेंड टुवर्ड्स 5, NP शुड इंक्रीज, अगर NP इंक्रीज होता है तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बेटर होता है, तो यहाँ NP आपका इंक्रीज हो रहा है, P इंक्रीज हो रहा है ना, तो NP इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन विल बी बेटर ऑब्वियसली, तो वो चीज है। मैक्सिमम का ठीक है, चलो जरूरत नहीं है, 69 हो गया, देखो पहले 54 के राउंड था, तो इसको हम लोग कर देंगे 70, पी मैंने चेंज नहीं करा था, पी ही रखा था, तो ये वाला हम लोग लाइंस बना सकते हैं, एंड लाइंस वी कैन सी समवॉट नॉर्मल दिख रहा है। नेक्स्ट बोलेंगे, अच्छा नेक्स्ट कमेंट ही है 3 मार्क्स का, कमेंट ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूजिंग नॉर्मल ऑन दिस न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, एक एक करके कमेंट करो, चलो नेगेटिव वैल्यूज पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, नेगेटिव अभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स नेगेटिव वैल्यूज, तो उस पे कमेंट ही नहीं करना, बट अदरवाइज अब हम लोग और क्या बोलेंगे, क्यों हो रहा है, हम लोग की सिमुलेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो क्लेम हैज गॉन सिग्निफिकेंटली डाउन, अर्लियर इट वॉज high, but now it's significantly down, which is also the case for normal distribution. आप इसको probability को निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, ये वाला याद है कितने simulations आपके zero दे रहे थे, यहाँ sims one कर देंगे, point याद है 9.42% था, अभी 0.07% है, बहुत कम हो गया है,
फर्स्ट थिंग, इसको पूरा समझा दिया अच्छे से, फिर नेक्स्ट थिकनेस में बात करो ना, जो 3 पॉइंट ऊपर लिखा 4 पॉइंट, उसी 4 पॉइंट को इधर इलैबोरेट करना है. जस्ट दैट नॉन जीरो वैल्यूज के लिए कमेंट करना डज नॉट मेक सेंस. तो पहला पॉइंट को समझा दिया, इसमें 2 मार्क्स मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्लेम्स इज नाउ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अंडर द सिमुलेशंस एंड सेम फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन ऑल्सो शो दिस एंड राइट द वैल्यू कि इतना प्रोबेबिलिटी है सिमुलेशंस का, नॉर्मल में भी तो सीम्स फाइन. टेल्स में हमें क्या दिख रहा है, थिकनेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना. थिकनेस राइट टेल स्पेसिफिकली इज सिमिलर, इसमें भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी लॉन्ग दिख रहा है. सो अब अगर हम लोग 99th परसेंटाइल वैल्यू निकालेंगे तो बहुत सिमिलर आएगा दोनों के केस में. अब अगर हम लोग निकालें 99th परसेंटाइल अंडर द न्यू दिस थिंग क्यू नॉर्म, देखो अब इसमें निकालोगे 45.5 आ रहा है, पहले 26 point समथिंग आ रहा था, और क्वांटाइल फंक्शन में सिम्स 1 कर दो और इसका 99th निकालो 46, तो वेरी सिमिलर आ रहा है. तो 99th percentile value is also very similar now. 45 and 46 इस पे भी आप लोग लिख सकते हो values, इसका भी marks मिल जाएगा. So overall normal approximation is now more appropriate. Why? Because the PI terms probability has increased. Every PI has gone up from, is increased by 0.3, which is actually making your binomial distribution tending towards normal, and so normal approximation is a good approximation now. एक क्वेश्चन डिस्कस करने में हमें लग गया 1.5 आवर्स. सो इट्स नॉट इजी. आपको हमेशा ट्राई करना है, चाहे कोई भी पेपर भी हो, कि कौन सा थ्योरी का पार्ट है एग्जैक्टली. खाली रिस्क मॉडल बोलने से नहीं चलेगा. एंड नोट्स कॉपी रखो ना अपने पास, कौन मना कर रहा है. नोट्स कॉपी खोल लो, आपको तो फॉर्मूलाज देखने थे. शुरू में जिस इंसान ने ये फॉर्मूला गलत कर दिया, हाँ शुरू में जिस इंसान ने ये फॉर्मूला गलत कर दिया, उसका तो पूरा वहीं खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म. मार्क्स मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग यू, बट आपको ये कमेंटिंग वमेंटिंग कहाँ से कर पाओगे, कुछ भी अनशंट कर दोगे तो. आई एम नॉट सेइंग फुल मार्क्स जाएगा, हर एक पार्ट का मार्क्स होता है, वो ऊपर वाले पार्ट को करेक्ट करके आपको मार्क्स देते हैं. मार्क्स आपको मिलेगा, बट कितने एक्सटेंट तक मार्क्स मिलेगा वो भी तो देखो. गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? Is it clear? Quickly thumbs up दे दो, फिर next question पे जाएंगे.